हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक। में आप मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजिस। जैसा कि आज आपको पता ही है, मेरी सेवेंथ वीडियो है जो कि स्वैचेस, कलर स्वैचेस के बारे में है, जहां मैं हम लोग को बताएंगे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्वैचेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड के लिए और कैसे अपने ग्राफिक्स को में उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम कलर्स को मैनिपुलेट और चेंजेस कर करके अलग अलग अच्छे अच्छे कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल से आप मेरा रेक्टेंगल देख रहे हो, आपको सबको पता है ये, आप साइड में आओगे यहाँ पर फिल है। ठीक है, इसका शॉर्टकट एक्स होता है। अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे आप यहाँ पर एक आपको कलर पिकर जो पैनल है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, कलर पिकर जैसे आप ओपन करो तो यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हो, इसके टिंट और शेड और मिड टोन, जैसे भी आपको कोई से भी जो कलर लेना है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इजीली यहाँ से अलग अलग कलर चेंज करके आप इजीली अपने कलर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर ग्राफिक्स। जैसे आपके ग्राफिक्स में रिक्वायरमेंट हो जिस पर्टिकुलर ह्यू की, उसके हिसाब से आप उसके ह्यू के टेंट और शेड निकाल सकते हैं। ह्यू मैं आपको पहले ही प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ह्यू बेसिकली, फिर से मैं बता देता हूँ, एक टेक्निकल नेम है। कोई भी जो कलर होता है वो मल्टीमीडिया ग्राफिक्स में हम लोग के फील्ड में उसको टेक्निकल नेम उसका ह्यू कहलाता है। जैसे कि रेड रेड इज अ ह्यू एंड ब्लू ब्लू कैन बी अ ह्यू, एनी अदर कलर, कोई भी अगर नाम है बेसिकली समझे, सिंपल सी बात है, नाम टेक्निकल नेम जो है ह्यू कहलाता है। ठीक है, तो ह्यू के साथ साथ टिंट और शेड भी होते हैं कलर्स में। टिंट क्या होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ह्यू के साथ अगर व्हाइट ऐड करते जाइए, अगर कोई पर्टिकुलर ऐड से व्हाइट करते जाइए तो एक ऐसा टाइम आता है कि कम्प्लीटली व्हाइट ही हो जाता है। जैसे कि हम व्हाइट ऐड करते जाएंगे इस पिंक में या रेड में सपोज, तो हमारा फेड होता जाएगा कलर। तो बेसिकली जो कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ऑप्टेन हो रहे हैं, वो आपके टेंट कहलाते हैं। शेड उल्टा होता है, शेड में बेसिकली क्या होता है, आपके जो ब्लैक कलर को ऐड करते हैं। कोई भी ह्यू में अगर हम ब्लैक कलर ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद ऐड करने के बाद जो भी कलर हम लोग को ऑप्टेन हो रहे हैं, ऑब्वियस बात है ब्लैक करेंगे तो कलर डार्क ही हम लोग को ऑप्टेन होने वाला है। तो जो कलर हम लोग को डार्क कलर जो ऑप्टेन होने वाला है बेसिकली वो शेड्स कहलाएंगे, वो पर्टिकुलर ह्यू के। ठीक है, टिंट और हेड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टिंट और शेड्स में फर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट में कलर कलर कैसे चेंज करें। पहली चीज यहाँ पर आप देख रहे हो ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस, आप ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस को भी मैनिपुलेट करके कलर चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। आप यहाँ पर अगर आप 34 लिखना चाहो अपने हिसाब से आप कलर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ह्यू सेचुरेशन और ब्राइटनेस बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है, अगर आपको ये वैल्यू पता है अपने ग्राफिक्स में, अगर आप चाहते हो, आपको किसी क्लाइंट ने कहा मुझे यही कलर ही यूज करना है अपने ग्राफिक में, तो आप ये कह सकते हो कि मुझे एच एस बी वैल्यू दे दो ताकि मैं इजिली उसको यूज कर सकूँ। एच एस बी मतलब ह्यू सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस, आप यहाँ पर सिंपल पुट करोगे और वाला कलर जो और डिजायरेबल कलर है वो आप इजिली ऑप्टेन हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास आर जी बी कलर वैल्यूज भी होती है। मैं आपको पहले ही मेरी स्टार्टिंग वीडियोज में बता चुका हूँ, आर जी बी बेसिकली वेब डिजाइनिंग के लिए और आपके डिजिटल में जितने भी कलर्स बेसिकली यूज होते हैं वो सब आर जी बी कलर मॉडल्स होते हैं। जो बेसिकली आप डिजिटल में, जो कुछ भी आप डिजिटल में देखने वाले हो सब उसमें आरजीबी कलर मॉडल ही यूज, उसके हेल्प से भी आप कलर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको आरजीबी वैल्यूज दे देता है क्लाइंट या फिर आपको कहीं से भी मिल जाती हैं या आप खुद बना लेते हो तो इजीली यहाँ पर भी वो कलर कहीं पर भी आप ऑप्टेन कर सकते हो। मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर में कोई आपने एक पर्टिकुलर कलर यूज किया, तो वही सेम कलर आपने सेम क्वांटिटी सेम सेचुरेशन सेम वाइब्रेंसी के साथ अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको अगर आरजीबी की वैल्यूज पता है तो इजिली आप यहाँ पुट करके वो कलर को इजिली ऑप्टेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सी एम वाई के। आप सी एम वाई की हेल्प से भी आप अपने कलर को ऑप्टेन कर सकते हैं। ये भी मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि सी एम वाई के कहाँ कहाँ यूज, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जितने भी आपको प्रिंटिंग रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसमें आपका सी एम वाई के ही यूज होता है। जैसे भी प्रिंटिंग पेपर पर जो कुछ भी अगर हमें प्रिंट कराना हो, वो चीज जो मुझे प्रिंट होके फिजिकली दिखने वाली हो, उसके लिए आप सी एम वाई के कलर ही यूज करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आर जी बी बनाओगे, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने एक एक चीज डिटेल में बताया है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप आरजीबी में क्रिएट कर देते हो, उसके बाद आप पता चलता है नहीं इसको प्रिंट होना है, तो सीएमवाईके में कलर टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, फिर आपका क्लाइंट से
डिससेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू भी होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आप ऑप्टेन करके भी कोई पर्टिकुलर कलर बना सकते हो और ऑप्टेन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन तो आप यहाँ से ना बना ही सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कलर क्रिएट किया और जस्ट क्लिक, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यू विल सी कि मेरा कलर वो भी आ गया है, ठीक है। तो सिंपल सा यही है, यहाँ पे डबल क्लिक करो आपका कलर पिकर टूल ऑन हो जाएगा, यहाँ से आप अलग अलग कलर इजीली ऑप्टेन कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास ये आपको दिख रहा होगा राइट एंड साइड कलर्स, ठीक है। इसकी हेल्प से भी आप अगर इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, सपोज अगर आपको ये ना मिल रहा हो तो आप विंडो में जाके यहाँ पर कलर्स लिख दोगे, देखिए कलर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, मैंने बंद कर दिया, आप हो सकता है काफी लोग में नहीं आ रहा हो, तो दूसरी पहली चीज तो ये है कि आप यहाँ से एसेंशियल में आके रीसेट कर दो तो आपको मिल जाएगा, या ना फिर आप विंडो में जाके इजिली कलर्स पे टिक कर दो, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अनचेक, अगर आप टिक कर दे तो F6 इसका बेसिकली शॉर्टकट है, आप अगर याद रख पाओ तो F6 भी दबा सकते हो तो कलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे सब चीजें इजी होती रहेंगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आपको कलर्स के बारे में, ठीक है। तो कलर्स बेसिकली ये आपका एक तरह का स्पेक्ट्रम है कलर का, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, देन आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है तो यू कांट चेंज इट कलर, ठीक है, कलर चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर अप्लाई करना है तो ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड फर्स्ट, ओके। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे करके आप यहाँ से भी कलर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर आप यहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, सडनली अगर कोई अगर चाहिए है यहाँ पर आराम से आके आप कलर चेंजेस कर। दूसरी चीज अगर यहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा होगा बटन टाइप का डाउनवर्ड में, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं आप तो आपका देखोगे थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैनल, ठीक है। बेसिकली आपको पैनल मिल जाता है CMYK, तो इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो कलर चेंजेस कर। सियान अगर थोड़ा सा कम हम करते देखेंगे आप तो यू विल सी सम चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से भी आप इस ये वैल्यू को भी मैनिपुलेट करके आप अपना कलर ऑब्टेन कर सकते हैं, डिजायरेबल कलर मेजेंडा अगर आप कम ज़्यादा करके भी आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं अपने हिसाब से। येलो आप बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, की फॉर ब्लैक स्टैंड फॉर ब्लैक हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये तीन बार देख रहे हो, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी सम अदर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हाइड ऑप्शन, हाइड कर देगा। दूसरा वहाँ पर ग्रे स्केल ऑप्शन है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ग्रे स्केल वैल्यू दिखेगी, तो यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं ग्रे स्केल वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हो RGB मिलती है, अगर आप RGB के साथ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यहाँ पर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपके RGB वैल्यूज दे रखी है तो आप इजिली यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं, यहाँ पर रेड की वैल्यू दीजिए, यहाँ जी की दीजिए, ग्रीन एंड द ब्लू की दिए, और सिमिलरली आप हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर भी आपको अगर पता है तो आप यहाँ से देख के अपना डिजायरेबल कलर ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ह्यूज सेचुरेशन ब्राइटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हो तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है ग्रेडियंट। तो मैं आने वाली मेरी वीडियोज में ग्रेडियंट के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ही सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, इंटेंसिटी बेसिकली प्योरिटी ऑफ कलर बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस लाइटनेस बढ़ा सकते हैं आप, ह्यू तो बता ही चुके हैं पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास CMYK है, उसी तरीके से CMYK भी काम करता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके वेब्स के लिए हैं ऐसे ऐसे कलर्स, ठीक है, इनवर्ड है इनवर्ड कर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, तो अलग अलग कलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। क्रिएट न्यू स्वैचेस है, आप न्यू स्वैचेस क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नॉर्मल RGB रखते हैं। उसके बाद बात आती है कलर गाइड, कलर गाइड भी अगर आप क्लिक करके बाहर निकालो तो इसमें भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कलर्स क्रिएट करने का, टिंट्स, और मैंने जो आपको बताया था अभी टिंट और शेड्स के बारे में, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सपोज ये कलर है, सब इस कलर का आप देख रहे हो कि आपको शेड्स मिल रहे हैं, जैसे ब्लैक है, मैंने बोला था ना ये कलर अगर इसमें ब्लैक ऐड करते हो तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक में ही कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके अगर उसमें वाइट ऐड करते जाओ तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पर्टिकुलर कलर वाइट में ही कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर ऐड इतना ब्लैक ऐड किया कि वो बेसिकली वही कलर जो था आपका वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से आप धीरे धीरे वो कलर आपका उधर आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, व्हाइट तरफ जा रहा है, तो एकदम टाइम ऐसा है एकदम कम्प्लीटली व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यही टिंट्स कहलाते हैं, ये शेड्स कहलाते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर कलर का टिंट्स और शेड चाहते हो तो यहाँ से भी आप इजिली ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप कलर लोगे उसके टिंट और शेड्स आपको यहाँ पर इजिली मिल जाएंगे कलर गाइड्स में, ठीक है। तो इसका भी लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, यूज किया जाता है, आप कर सकते हो इसको भी यूज, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास कलर एडिट कलर वही चीज है, वॉर्म कलर। हाँ, इसमें भी कुछ ऑप्शन है, आप देख सकते हो। वॉर्म कलर में जाओगे तो आपको वॉर्म कलर का टिंट और वॉर्म कूल कलर मिल जाएंगे, ठीक है। वॉर्म कलर है, ये कूल कलर है, ठीक है। तो उसमें भी आप यूज कर विविट एंड म्यूटेड यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग है विविट और म्यूटेड, अलग अलग पैलेट है, आप इसमें से यूज कर सकते हो। शो टिंट एंड शेड्स, कलर गाइड ऑप्शन, ठीक है, कलर गाइड ऑप्शन है, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो सब। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो हम स्वेचेस के बारे में बात करने वाले हैं। स्वेचेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने खुद के भी स्वेच बना सकते हो, स्वेचेस बना सकते हैं आप, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर एक कलर, पर्टिकुलर कलर बनाया, डबल क्लिक करा, आपने ये कलर बनाया या येलो कलर बना लिया, ऐसा कलर के जो नहीं है आपके पास, और आप चाहते हो यही कलर आपको यूज करना, सिंपली आप चाहते हो इस स्वेचेस में नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग करके लाओगे तो वो चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ओके। सिंपल फिर से मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर ऐड करना है अपने स्वैचेस में, बेसिकली आप जब भी इलस्ट्रेटर ऑन करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट तो खूब सारे स्वैचेस मिलेंगे, ये सब जो बाय डिफॉल्ट स्वैचेस हैं, बट आप खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अपना खुद का कोई ग्राफिक्स बनाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक कलर अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से डबल क्लिक करोगे एंड यू विल चेंज एनी कलर और यू कैन पिक एनी कलर हुए है, ओके। कोई भी आप कलर पिक कर सकते हो इजिली एंड जस्ट ओके, तब आपके पास कलर आ जाएगा। एंड सिंपली क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक और ड्रैग की जब भी मैं बात करूँ समझ लेना, मेरा माउस का लेफ्ट माउस बटन क्लिक होके और ड्रैग करना है, ड्रैग करके सिंपल सा यहाँ ले आओगे वो चीज यहाँ आ जाएगी, ओके। आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। दूसरी चीज में ऐसे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल्स बनाया, ये बनाया, फिर एक और मैं ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये कलर अगर मैं नहीं लाया हूँ तो मैंने कलर यहाँ से ले आता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ कुछ समथिंग, ठीक है। पहली चीज तो ये सही है, मैं कलर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो यू विल सी सम स्वैचेस की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है। स्वैचेस की प्रॉपर्टी क्या मिल जाती है, पहले तो स्वैचेस का नेम आप यहाँ से दे सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो, वरना अदरवाइज आपको CMYK के वैल्यूज दिखा रहा है ऊपर। कलर टाइप्स किस टाइप का है तो आप दे सकते हो, प्रोसेसिंग कलर इसमें कोई चेंजेस मत करो। हाँ, ग्लोबल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता देता हूँ, ग्लोबल से बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई सेम कलर का कोई स्वैचेस बनाते हो तो कलर उसके बाद अगर आप मान लो आपके क्लाइंट ने कहा कि वो कलर चेंज कर दो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको हर एक ग्राफिक्स पे जाके चेंजेस नहीं करने हैं, अपने आर्टबोर्ड में हर एक ग्राफिक को जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको ग्लोबल यहाँ से टिक कर दिया है तो, ठीक है। अगर आपने टिक कर दिया है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ अगर आप चेंजेस करके देखोगे, अगर आपने किस चीज को ग्लोबल बनाया है, ठीक है, ठीक है, मैंने ये कलर ग्लोबल बना दिया है, मैंने वाली ये कलर ले लिया एंड ओके कर दिया, ठीक है। फिर ये कलर को भी मैंने ये कर दिया एंड ये कलर को भी मैंने ये कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने एक ग्राफिक्स बना लिया, सो अज्यूम करिए एक ग्राफिक है, मैंने एक ग्राफिक बना लिया और फिर मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो आपके पास बहुत से लेयर्स होंगी, फिर आप एक लेयर पर जाओगे कलर चेंज करोगे। बट अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को अगर ग्लोबल बना दिया है, जैसे आपने ये कलर ग्लोबल यूज करा है कलर्स, ठीक है, स्वैचेस में से एक ग्लोबल यूज करा है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, उसके बाद अगर आप चेंजेस करोगे तो यू विल सी सम चेंजेस, क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या हो रहा है। जहां जहां वो कलर यूज हुआ था ग्लोबली, ग्लोबली मतलब ओवरऑल जहां पर भी आपका कलर चेंजेस हुए थे उस सारे में कर रहा है, और ये जरूरत नहीं है आप एक एक पर जाओ वहां से फिर जाके चेंजेस करो, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसी तरह से आप खुद अपने स्वैचेस बना सकते हो, एक्स्ट्रा आपको लग रहे होंगे स्वैचेस यहाँ बहुत से हैं, जैसे
यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप थंबनेल कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, आपको लगे नहीं छोटा लग रहा है तो आप स्वैचेस ऐसे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है इनको बंद कर दो, अब इस पर इनका काम नहीं है, स्वैचेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आप स्वैचेस को ऐसे बड़ा कर सकते हो, स्वैचेस में अगर आप चाहते हो कि अननेसेसरी स्वैचेस हैं हमें नहीं यूज़ करना है, यहाँ से क्लिक करो एंड शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर डिलीट बटन दबा दो, डिलीट कर दोगे जो बाई डिफॉल्ट वो स्विचेस स्वैचेस सॉरी चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, फिर यहाँ से आपने खूब सारे बना लिए, मान लीजिए ये कलर आपको चाहिए लोगो, मान ली लोगो बना रहे हैं आपको 3 4 कलर चाहिए, कलर आपने बना लिया, या मान लिया आपको ये कलर भी चाहिए होगा, तो आपने सिंपली क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग आपने यहाँ 6 स्वैच पिक कलर पिक्स क्रिएट करते जा रहे हैं एंड क्लिक एंड ड्रैग, तो ऐसे करके आप कलर्स क्या कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो, डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं कुछ, आप कर सकते हो डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट स्वैचेस कर सकते हो, क्लिक एंड ये कर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सॉर्ट बाय नेम कर सकते हो, सॉर्ट बाय काइंड कर सकते हो, स्मॉल मीडियम लार्ज कर सकते हैं, स्वैचेस ऑप्शन, स्वैचेस ऑप्शन वही ऑप्शन जो पहले आया था वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस कलर को अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ग्लोबल बना सकते हो, अगर मान लीजिए कलर हर जगह यूज हुआ तो जहाँ जहाँ यूज हुआ सब जगह पे चेंजेस हो जाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी इसकी चेंजेस कर सकते हो, अगर मान लो अगर ये स्वैचेस जितने आपने स्वैचेस बनाए हैं बेसिकली 4 स्वैचेस स्वैचेस मिलके बनाए हैं, स्वैचेस मिलके स्वैचेस बनाए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेव स्वैचेस लाइब्रेरी भी कर सकते हो। इससे क्या होगा आप ये इसको कहीं पर भी डेस्कटॉप पर नाम दे सकते हो, माई स्वैचेस करके कुछ भी जो देना चाहो, इसको आप फ्यूचर में भी फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है ओके। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, माई कलर्स दे दो, ठीक है। तो आप ऐसे करके माई कलर्स दे दे डेस्कटॉप, मैंने प्लेस दे दिया एंड ओके कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑप्टेन इजली कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चेंजेस हो जाते हैं, आप करना चाहो तो ये सब चीजें आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपका ऑप्शन पहला ये मेरा स्वैचेस लाइब्रेरी, ठीक है। ये स्वैचेस लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक क्लिक करोगे तो अलग अलग स्वैचेस मिलेंगे, बेसिकली आर्टिस्ट में मिडिल एजेस पॉप आर्ट अलग अलग टाइप के बेसिकली कलर्स मिलेंगे, कलर बुक्स में आप देखोगे तो ये सब स्वैचेस आपको मिल जाएंगे, तो आप अलग अलग स्वैचेस भी यहाँ से निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मान लिया आपको टेक टेक्टाइल या नेचर यूज करना है, वैसे नेचर में कौन सा फ्लावर्स यूज करना है, अब यहाँ से कर सकते हो, तो फ्लावर्स के जितने भी स्वैचेस होते हैं उसके रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। आई होप कोई चीज समझ में आई हो आ गई होगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद साइड में वहां पर दे रखा ओपन कलर थीम पैनल, ये वही चीज है, कलर थीम पैनल खुल जाएगा, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, स्वैचेस यहाँ से चला जाए तो आप स्वैचेस यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, जैसे मैं इससे गलती से चला गया तो यहाँ क्लिक करेंगे स्वैचेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन है ऐड स्वैचेस, वही चीज़ है, ये शो स्वैचेस काइंड, ठीक है। स्वैचेस ग्रेडियंट अगर होगा तो ग्रेडियंट दिखेगा, पैटर्न होगा तो पैटर्न दिखेगा, जो होगा ऑल करोगे तो ऑल दिखेगा, ठीक है। ऑल मतलब ऑल में मतलब कलर लुकअप, कलर पैटर्न स्वैचेस, कलर ग्रेडियंट जितने भी सारे दिखेंगे ऑल, ठीक है। के बाद साइड में हमारे पास ये चीज है स्वैचेस पैनल जो मैंने बताया था आपको, कलर चेंजेस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद न्यू स्वैचेस है, आप न्यू स्वैचेस भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद न्यू स्वैचेस करके आप न्यू कलर ग्रुप भी बना सकते हो, एक ग्रुप बना के उसके अंदर स्वैचेस भी रख सकते हो। तो आज की वीडियो में यही था कलर स्वैचेस के बारे में, आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई हो और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस में और बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्त प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी कहो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लोग तब सपोर्ट करते तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको लोग के लिए एक एक वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ, वो कोशिश करूँगा हर एक वीडियो को एक एक डिटेल में ही हर चीज़ को सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही दूँ ताकि आप लोग को चीज़ों को समझ में ले आए, ओके। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो यानी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और शेयर भी करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो ताकि वो लोग भी देखें और ग्राफिक डिजाइनिंग घर पर बैठ के सीख सकें, ठीक है ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।